धनबाद के टुंड स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में अरुण अग्रवाल एवं उनके पुत्र द्वारा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग लोगों को भोजन कराया गया। वहीं अरुण अग्रवाल एवं उनके पुत्र ने अपने हाथों से लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग लोगों को भोजन कराया एवं कंबल वितरण किया। पकड़े भैया, अभी पकड़िए। मीडिया से बात करते हुए अरुण अग्रवाल ने कहा कि मेरी मां की इच्छा थी कि लालमणि वृद्धा सेवाश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को खाना खिलाए एवं कंबल वितरण करें। आज उन्हीं की इच्छा को हम लोग ने पूरा किया और आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को खाना खिलाया और कंबल वितरण किया। वहीं उनके दोस्त राकेश कुमार सिन्हा और घनश्याम प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ पर दोपहर में बुजुर्ग लोग के लिए खाने पीने का प्रबंध किए और कंबल वितरण किए। क्या उद्देश्य था जो कार्यक्रम था आज, जो हमारा उद्देश्य था, ये हमारी माता जी का बहुत दिन से इच्छा था। वो बोल रहे थे कि बेटा कुछ बुजुर्ग लोग का, इन लोगों का कुछ मदद करो, उन लोगों को कुछ खिलाओ पिलाओ, उन लोगों को कुछ अभी ठंड आ गया है, कम से कम कंबल वितरण कर दो। वह हमारा मुख्य उद्देश्य था और उसी को पूर्ति करने हम लोग आए थे यहाँ पर। आपके आश्रम के बारे में सुने कि यहाँ पर कोई सरकारी फंड भी नहीं मिलता है, तो एक सहयोग का भावना मन में आया और बुजुर्ग लोग ठंड में परेशान न हो उनके लिए हम लोग यह वितरण किए हैं। और हम लोग को यहाँ आके अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ पर जो ये चला रहे हैं आश्रम, इस व्यवस्था भी अच्छा है यहाँ पर, लेकिन क्या है कि फंड का कमी तो है ही। क्या कहेंगे उस बेटे को जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया? देखिए, यहाँ पर आके इनको देख के सुकून भी मिला है और इनको देख कर मन द्रवित भी हो उठा है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। और यह चीज एकदम क्षम्य नहीं है और हम तो आपको एक सलाह देंगे कि उनके विरुद्ध इनके तरफ से कानूनी कार्रवाई भी कीजिए आप लोग। यह मेरा सलाह आप लोगों को है। मीडिया से बात करते हुए लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने कहा कि मैं अरुण अग्रवाल एवं उनकी माँ को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे आश्रम में आकर वृद्ध लोगों को खाना खिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे आश्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि हम लोग आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों की सेवा कर सकें। आज अरुण अग्रवाल जी की माँ का इच्छा था कि लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में बुजुर्गों को खाना खिलाया जाए और वो खाना खिलाए और कंबल वितरण किए और उनको मैं पूरे तह दिल से पूरे आश्रम परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि लोग अपनी माँ बाप को घर से ना निकालें, क्योंकि आज के डेट में बहुत से माँ बाप हमारे पास हैं जो कि बहुत कष्ट काट के यहाँ आए हैं और हमारा लालमणि वृद्धा आश्रम पूर्वी टुंडी में है और यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे माँ बाप से मिलने के लिए आए लोग और हम लोगों को आश्रम चलाने में बहुत कष्ट हो रही है, बहुत तरह की ज़रूरत, कोई सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। इस दर्द को हम नहीं दिखा पाएंगे
कि कितना कष्ट होता है हर चीज़ का मेंटेन करना। लोग आगे आए और हमारे लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के साथ कदम से कदम मिला के चले। इस मौके पर आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी, सह सचिव सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी विजय सिन्हा, गोपाल चौबे, शुभल कुमार, शांति देवी सहित आश्रम के सैकड़ों सदस्य एवं आश्रम में रह रहे वृद्धजन उपस्थित थे।